अच्छा दीदी पेटाई पराठा कचुड़ी गर्म हो निरामिष इसीलिए बोलते हैं इसको पेटाई पराठा। देख लो बेरम बेरम से पीटा जा रहा है इसको, चटनी बनी आप लोग देखो इसको। तो ये जो अंकल थे वो हमें इस दुकान के बारे में बहुत सारा रिव्यू दे रहे थे और वो बोल रहे थे कि वो वहाँ पे सफाई का काम करते हैं, तो इसलिए हमने अपने तरफ से उनको एक प्लेट पिटाई पराठा ऑफर कर दिया। हाँ हाँ थैंक, कोई बात नहीं, पराठा है, पूरी सब्जी है, घुगनी मुरी है। कितना दाम रहता है उस सबका? वो 100 ग्राम 15 रुपया, 200 ग्राम 150 ग्राम 20 रुपया, और कचौड़ी का 4 पूरी सब्जी 20 रुपया, और उसके साथ क्या सर्व उसके करते साथ है? छोला का सब्जी है, आलू का सब्जी है, दोनों सब्जी। कौन कौन चलाता है ये दुकान? वो मेरा बीबी है, मेरा लड़की है, मतलब आप तीनों मिलके दुकान चलाते, फैमिली मिलके दुकान चलाते हैं, अच्छी बात है। तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कोलकाता का मतलब वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट जो आपको बस वेस्ट बंगाल में मिलता है, उससे बाहर कहीं नहीं मिलता, और उसको बोलते हैं पिटाई परोठा। बहुत जन मतलब सुन के सोच रहे हो कि ये कौन सा नाम हो गया पिटाई परोठा, तो कोलकाता के बंदे जानते होंगे, वेस्ट बंगाल के बंदे जानते होंगे, उन लोगों के लिए तो दिखाया नहीं पड़ेगा, बट जो नहीं जानते उनके लिए हम दिखा देते हैं इसका मतलब मेकिंग कैसा होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं मैदा का कितना बड़ा डो लिया जाता है। दीदी वो कितना ग्राम का होगा फिर भी मैदा का डो? हाँ एक का, अच्छा आधे किलो का एक डो है, फिर उसको ऐसे देखो बेला जाता है, उसके ऊपर मैदा छिड़क के लपेट रहा है, लच्छा पराठा जैसे बनाते हैं वैसे कुछ, फिर उसको थोड़े देर वैसे ही मतलब सूखने के लिए रख देते हैं, बहुत देर रखने के बाद उसको अब यहाँ पे बेला जाएगा। अब देखना कितना बड़ा पराठा बनने वाला है, कितना बड़ा पराठा बन रहा है देख लो। एक आंटी इसको अच्छे से सेक लेगी, उसके बाद उतार के उसके बाद मेन काम इसका स्टार्ट होगा, वो आप देखना, बस उसी कारण से इसको बोलते हैं पेटाई परोठा। सेकना हो गया, अब देखो इसका मेन काम चालू होगा, ये देखो आंटी पराठा को पीटना स्टार्ट कर दिए, इसीलिए बोलते हैं इसको पेटाई परोठा। देख रहे कितना बेरहम बेरहमी से पीटा जा रहा है इसको, अरे भाई चटनी बनी आप लोग देखो इसको। तो अभी हमारा प्लेट रेडी हो चुका है, अब तो टेस्ट करते हैं, देरी ना करते उसके बाद बताते हैं आपको कैसा है। तो गाइस आज हमको अकेला वीडियो शूट करना पड़ रहा है, डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। दीदा दीदा वो हाथ खाली हो बोल, हमारा एक प्लेट ना तुम्हारा ना तुम्हारा ना, और सलाद तो सबको तो कान दिख चुका है, आलू कोशा बोलते हैं ऐसा कुछ, और मटर का घुघनी है, ठीक है। तो अब इसको ज्यादा देरी ना करते, अरे बाबा मेरे को पता है प्राइस 20 रुपया है, ठीक है प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी सही है, पेट भर जाने वाला है। तो थोड़ा लिया मटर, पूरी सब्जी है गरम गरम भाज के देंगे, 4 पूरी सब्जी 20 रुपया थाली, डिफिकल्टीज फेस करना पड़ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट आलू, एक बार आलू भी आलू तो पीस कर आंटी ने जो है पीट पीट के पराठा का लेयर देखो अब कितना पतला कर दिया, मतलब बहुत ही पतला कर दिया और बहुत ही सॉफ्ट हो गया पराठा, उसको इतना पीटा ना कि पराठा मतलब बोल रहा होगा भीतर से मैं तो टूट गया भैया। खबन तो मुड़ी घूमनी सब्जी आलू दम जो है बहुत मुड़ी आलू दम हमें मुड़ी घूमनी दम और मटर का जो घूमनी है वो थोड़ा दिखता है, बाकी पराठा ठंडा हो गया अगर दो ना मजा नहीं। अच्छा तो 20 रुपया में बस आपको पेट भरने लायक सोचो है, वैसा कुछ ओवर नहीं है कि आपको खाने में बहुत अच्छा लगे ऐसा कुछ। लोकेशन तो बोलते बार भी हमारे दुकान है कालीघाट मार्केट है, आप देख लो बाजार और इधर है कालीघाट का मंदिर, हाँ पता है, इधर पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है। आइए दीदी गरम पूरी सब्जी गरम पराठा भेज खाना मिलेगा ये। तो इसको रैप अप करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर चला देवो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो ये हमारा तो पेज को फॉलो कर लो, आज का वीडियो बनाने में बहुत डिफिकल्टीज हुआ, ठीक है तो पेज को फॉलो कर लेना, चलो पूरी जगह दो।